हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अद्विक अनलिमिटेड। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग जो कि है मेरे दिवाली गिफ्ट की, जिसका नाम है स्मार्ट कप। और इसकी खास बात है कि इसके अंदर टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। तो अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। ये 500 ml की इसकी कैपेसिटी है। ये पानी को 12 घंटे तक गर्म और ठंडा रख सकती है। इसकी बैटरी की लाइफ है 500 डेज। और आपको इसे हाथों से जेंटली वॉश करना है और किसी भी हीट के सामने नहीं रखना। तो गाइस, अब मैं कर देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस, ये लीक प्रूफ भी है। और गाइस, ये देखिए कुछ ऐसा दिखती है। और जो इसके कॉर्नर्स हैं ये लीक प्रूफ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका डिस्प्ले किस तरीके से वर्क करता है। इसके ऊपर हम 2 बार टैप करेंगे तो ये ऐसे दिखा देगा। अब ये बोतल खाली है इसलिए ये 30 डिग्री बता रहे, जो कि हमारे रूम का टेम्परेचर है। तो जल्दी से पानी भर के इसकी करते हैं हम रियल टेस्टिंग। पर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है जो कि मेरे हिसाब से 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, लेकिन ये अभी सिर्फ 38 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा वेट करके दिखाता हूँ ये कहाँ तक जाता है। तो गाइस देखिए, ये थोड़ी देर में 6 डिग्री बढ़ चुका है। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ ये कहाँ तक जाता है। ये 44 से 46 डिग्री हो गया, हो गया 46 ही है अभी। तो गाइस अभी मैंने इसमें बहुत देर तक वेट करके रखा है, इसमें टेम्परेचर 60 आ रहा है, इससे आगे जा नहीं रहा। तो गाइस मैंने इसके अंदर जब पानी डाला था तो उसका टेम्परेचर 30 था, और 30 से 60 पहुंचने में इसको कुछ 2.5 मिनट का टाइम लगा है। और गाइस इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसके साथ कुछ ऐसे ड्रॉप आती है, जो कि जब मैंने इसमें स्टार्टिंग में पानी डाला था और जब ये 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा था तो उसके ड्रॉप का कलर था ग्रीन। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसके ड्रॉप का कलर हो गया येलो, ऑरेंज और आखिरी में रेड। तो गाइस मैंने इसमें हॉट का तो चेक कर लिया, लेकिन अब मैं इसमें आपको ठंडे पानी का टेम्परेचर भी चेक करके बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, इसका कलर अभी 52 पे ये येलो हो चुका, ऑरेंज हो चुका है। ये धीरे धीरे करके होते जा रहा है नॉर्मल। तो गाइस मैंने अभी इसमें से गर्म पानी निकाल लिया है, और जब इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब मैं इसके अंदर कोल्ड वाटर डालूंगा। तो गाइस मैं अभी इसका वेट करता हूँ कि इसका सेंसर नॉर्मल पे आ जाए, जो कि अभी भी 44 शो कर रहा है। तो गाइस मैंने अभी इसके अंदर पानी डाल दिया, जो कि ज्यादा ठंडा नहीं है, बस ऐसे ही ठंडा है थोड़ा। तो ज्यादा ठंडा इसलिए नहीं हो पाया वो कि अभी विंटर का मौसम है और फ्रिज में बर्फ भी नहीं थी और ना कोई ठंडा पानी था। तो अभी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अभी ये धीरे धीरे करके कम होगा मेरे हिसाब से। तो गाइस अभी इसके अंदर टेम्परेचर इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, और अभी मैं फाइनली इसके अंदर थोड़ी और आइस डाल के इसकी बाद में टेस्टिंग करूंगा, जिसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा। तो गाइस मैंने इसका टेम्परेचर चेक कर लिया, मैं आपको इसका एक और पार्ट दिखाता हूँ, जो कि है ये मल्टीपर्पज फिल्टर। ये आपके लेमनेड वाटर के लिए काम आता है, और कुछ लोग जिंजर वाटर पीते हैं, टी बैग्स भी है रखते हैं, और हम इसमें कॉफी भी पी सकते हैं। तो गाइस ये देखो इसका क्लोज अप। अब मैं इसे लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से फिट होती है।
ये कुछ इस तरीके से फिट हो चुका है, इसी कुछ ऐसे फाइनल लुक है। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो की अनबॉक्सिंग खत्म होती है, और मिलेंगे नई वीडियो में अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी दिवाली।